अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। गिद्दरवाहा के मशहूर कंबोज अस्पताल के डॉक्टर रवि कंबोज, उनकी धर्मपत्नी और सिविल अस्पताल दोदा की एसएमओ डॉक्टर रमेश कंबोज को लेकर शहर में जारी तरह तरह की अफवाहों पर विराम लगाते हुए दंपति डॉक्टर ने मीडिया के आगे अपना पक्ष रखा। पिछले दिनों गांव दोदा के सिविल अस्पताल के दो मुलाजिमों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाने के बाद गिद्दरवाहा स्थित कंबोज अस्पताल को लेकर शहरवासियों व सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाह जारी थी, जिसको डॉक्टर रवि कंबोज व दोदा सिविल अस्पताल की एसएमओ डॉक्टर रमेश कुमारी कंबोज की ओर से झूठी बताया गया है। डॉक्टर कंबोज ने बताया कि उनका अस्पताल सप्ताह के सातों दिन खुला रहता है, जिसके तहत मरीजों का चेकअप किया जा रहा है, जबकि उनके पास भी ऐसा कोई केस नहीं आया जिसको कोरोना के दायरे में रखा जा सके। वही उनके अनुसार उनकी धर्मपत्नी व सिविल अस्पताल दोदा की एसएमओ डॉक्टर रमेश कंबोज की ओर से भी अपने टेस्ट करवाए जा रहे हैं। कंबोज अस्पताल गिद्दरवा, मैं सब सज्जनों को दसना चाहना कि मेरे कंबोज अस्पताल दे विच हुण तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया कि जिन्हों कोरोना की श्रेणी च रखा जा सके। मेरा हस्पताल 24 घंटे 7 दिन खुला है और मैं आम तौर पर रूटीन या अमरजेंसी मरीजों का चैकअप कर रहा। जे कोई बुखार या खंघ के सिम्पटम नाल आता है असी उन्हों वखरा फ्लू कॉर्नर दे विच एक पासे बिठा के रूटीन आम तौर पर असी उन्हों सिविल अस्पताल लई रैफर ही कर दिंदे आ। और पूरियां सावधानियां वरतियां जा रही ने कि असी जिवें गेट ते सैनिटाइजर रखे है, मेरे स्टाफ मैंबर हर एक आने जाने वाले दे हथ सैनिटाइज करते हैं, हथ धोते हैं। साढ़े कोल प्लाज्मा थर्मामीटर है, हर एक आने जाने वाले का थर्मा टेंपरेचर चैक किया जाता है ताकि पता लग सके किसी नूं बुखार तो नहीं। एक अफवाह होर फैली है कि डॉक्टर कंबोज नूं या मैडम कंबोज का करोना पॉजिटिव आया है, जो कि बिल्कुल निराधार और झूठी अफवाह है। मैनूं नहीं पता भी वह क्यों ते किवें फैली है, लेकिन मैडम कंबोज अज भी आपकी सरकारी ड्यूटी निभा रहे हैं। असी सलाह की है कि मैडम कंबोज आपका हुण टैसट भी करवाणगे, हले तक उन्हों का टैसट भी नहीं होया है, क्योंकि दोदे दे विच उन्हां दे कोई दो मुलाजम जिन्हां दा टैसट पॉजिटिव आ रहा ऑलरेडी क्वारंटीन कर दिते गए ने। ते असी उम्मीद करते हाँ कि मैडम कंबोज आपका टैसट करवाणगे और उम्मीद रखांगे भी शायद उन्हां दा टैसट पॉजिटिव ना होवे। देखो ये बीमारी ऐसी है कोविड-19 या वायरस, एक किसी का कदों भी पॉजिटिव आ सकता है। और जिहड़े कोरोना फाइटर ने असी डॉक्टर लोग स्टाफ नर्सिस जिहड़े भी इस काम दे विच लगे हुए ने वह किसी टाइम पर भी इहदी विरच आ सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैनू कोरोना नहीं हो सकता, सो होता किसी नूं भी सकता है। पर अज तक हाली तक मैडम कंबोज का टैसट भी नहीं होया, लेकिन जल्दी ही जल्दी तो जल्दी असी उन्हां नूं सलाह दित्ती है कि तुसीं पहले आपका टैसट कराओ ताकि तुहाडी रिपोर्ट सारयां दे सामने रखी जा सके। दोदा च टेस्टिंग शुरू की थी, तो असी अपने लैब वाले और क्लास 4 चार स्टाफ मैंबर के टेस्ट लए, उन्होंने दो दे पॉजिटिव आ गए। उन्होंने असी सिविल हॉस्पिटल मुकसर विच कोविड हॉस्पिटल भेज दिता गया। उस तो बाद गौरमेंट दी हिदायतां मुताबक असी हाई रिस्क ते लो रिस्क कैटागरी वाइज आपदे स्टाफ नूं कीता। उते जो हाई रिस्क कैटागरी है वह टेस्ट उन्होंने मुकसर और गिद्दरवा अज असी दे रहे हैं। फिलहाल उत्थे असीं काम नहीं कर रहे, पर जो सैंपलिंग तो बाद जो पेशेंट ने सैंपल नहीं हो रहे लो रिस्क ने वो काम करनगे, दूसरे की रिपोर्ट आने बाद हॉस्पिटल का काम स्टार्ट करेंगे। श्री मुक्तसर साहिब से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।